नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विषाणु एवं जीवाणु के बारे में। विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोला जाता है एवं जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है। विषाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एड्स का विषाणु, कोरोना वायरस का विषाणु जैसे कोरोना वायरस बोलते हैं या एड्स वायरस। इसी प्रकार कई टाइप के वायरस हैं। वायरस विषाणु इसका मतलब ही होता है विष या जहर। विषाणु में ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता है, बल्कि ऊपर से हल्की प्रोटीन की परत होती है और इसके अंदर डीएनए या आरएनए होती है। क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है। इसमें क्या होगा? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और इसके ऊपर से बस परत रहेगा। और इसमें कुछ अनुवांशिक पदार्थ होता है जिस कारण यह अपना क्या कर सकता है, फोटोकॉपी बना सकता है। फोटोकॉपी के कहने का मतलब यह है कि अपने जैसा जीव दोबारा बना सकता है। इसमें प्रोटीन, कई टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइक। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का लिंक माना जाता है, यानी कि कड़ी माना जाता है। विषाणु क्या होता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। जैसे सजीव में अगर देखें तो यहाँ अपना सजीव में क्या कर सकता है कि अपना द्विगुणी कर सकता है, यहाँ द्विगुणी हो सकता है। यहाँ किसी कोशिका में घुसेगा और उस कोशिका को पूरी तरह से क्या कर लेगा, अपना कंट्रोल में कर लेगा और अपनी संख्या को बढ़ाकर उस कोशिका को नष्ट कर देता है। और अगर देखें कि यहाँ निर्जीव में कैसे काम करता है, तो निर्जीव में यह ठोस पदार्थ में बदल जाता है। क्या है? तो ठोस में बदल जाता है, जिस कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। यानी कि विषाणु जो है वो एक अवस्था में नहीं बल्कि दो दो अवस्था में रह सकता है। वहाँ सजीव में भी रह सकता है और निर्जीव अवस्था में भी रह सकता है। विषाणु किसी कोशिका में घुसेगा और क्या करेगा कि उसका जेनेटिक संरचना, विषाणु किसी सेल में घुसकर उसके डीएनए या आरएनए में जो जेनेटिक सूचना होती है या संरचना होती है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। अब देखते हैं कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया क्या होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु क्या होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें डीएनए, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी पदार्थ पाई जाती है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय या प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है इतना छोटा कि जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। और इसे भी विषाणु बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा होता है। विषाणु को देखने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए। जीवाणु विषाणु से ज़्यादा विकसित होता है। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। जीवाणु का आकार रॉड के तरह यानी कि इस टाइप से होता है, या यह सर्पिलाकार भी होता है। सर्पिलाकार यानी कि वह इस टाइप से रहेगा, और कुछ गोल भी होता है। कुछ जीवाणु क्या होता है? तो गोल होता है। दूध से दही बनने में क्या होता है कि बैक्टीरिया रहता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया। कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा। जीवाणु को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने 1675 ईस्वी में एक माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। उसके बाद 1890 ईस्वी में रॉबर्ट क्रीच ने बताया कि
कि जीवाणु से भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब किससे बीमारी होता है, तो जीवाणु से। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।